जय हिंद वॉरियर्स वेलकम टू एम बाई अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल आई एम रोहित ठाकुर अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आज जो है ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम करेंगे जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए जिससे कि उनको भी जो है डिफेंस एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो उनको मिल पाएगी उसके बाद जो है सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है बेल आइकन को दबाना है जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है आपको मिल पाती है चलिए भाई सबके सब जो आ है आ जाइए लाइव गगन उत्कर्ष जय हिंद भाई लाइक और शेयर जो है अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है लिंक को जल्दी से जल्दी सबके सब कर दी कर दीजिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबकी जो है कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस नहीं होनी चाहिए चलिए भाई शाबाश जल्दी जल्दी आ जाइए वॉयर्स जिन्होंने अभी तक जो है एम की एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज़ डाउनलोड करिए एम की एप्लीकेशन जहाँ आपको मिलती है ए बेस्ड लर्निंग वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है बुक्स अवेलेबल है मॉक टेस्ट अवेलेबल है हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसके साथ साथ जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है एम बाइव डिफेंस जो है आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो वहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे जो है क्विजेज़ आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करे जाते हैं प्रैक्टिस जो है आपकी चलती रहती है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस की पी आपके साथ शेयर करी जाती है क्लासेस के लिंक्स जो है आपके साथ शेयर करे जाते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए हर अपडेट के लिए उसके अलावा अगर आपको पर्सनल डाउट्स पूछने हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अपना पर्सनल डाउट्स भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं ठीक है एग्जाम एनालिसिस की बात करी जाए हमेशा की तरह आपको ध्यान रखना है कि सी डी और एन की बात करें ठीक है सी ए की आपको ध्यान रखना है एक साल के करंट अफेयर्स आपको जो है कवर करके जाने हैं सी की बात करी जाए एन की बात करी जाए एफ कैट की अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है छः से सात महीने के करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है चलिए बेशाबाश प्रीवियस क्लास के पहले क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे हम ओम जय हिंद बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड परसेंट एयरफोर्स किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो हर एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेवेंथ जय हिंद चलिए बेशाबाश सबके सब आ जाइए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए भाई रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए शाबाश वेरी गुड कतर रिसेंटली साइंस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विथ चाइना फॉर द टाइम पीरियड ऑफ हाउ इयर्स चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके वेरी गुड एवरी चलिए सबका सही आंसर दिख रहा है मुझे यहां पे वेरी गुड एवरी वन ट्वेंटी सेवन आपको ध्यान रखना है इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ फॉर कॉपरेशन इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग quantum टेक विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल ब्लॉक हां जी चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश शानू शेखर गगन सेवेंथ हैवन बिल्कुल सही आंसर है सबका भाई आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट ठीक है रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान में रहती है चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिविजन का यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस For 2022 is given to which of the following? चलिए शाबाश जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इनमें से किसको जो है यूनेस्को मदनजीत दिया गया है गगन का सही आंसर है पूजा का भी बिल्कुल सही है शाबाश ओम हेवन उत्कर्ष बिल्कुल सही है फ्रेंका सलाम योंग जो है आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का रिसेंटली लॉन्च कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज असोसिएटेड विद विच ऑफ फॉलोइंग चलिए कल हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करी थी बिल्कुल सही आंसर है गगन का बिल्कुल सही शाबाश ठीक है देखो रेगुलरली आप लोग करंट अफेयर्स लगा रहे हो रिविजन कर रहे हो जितनी एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स है एक्सपेक्टेड न्यूज है ठीक है वो हम कवर करते हैं क्लास में तो हंड्रेड परसेंट जो है यही कॉन्फिडेंस जो है आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ठीक है एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रिविजन का जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट दानिश मंजूर भट्ट रिसेंटली ऑनर्ड विद जयपुर फुट यूएसएस फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर कोविड नाइन्टीन रिलीफ एफर्ट्स इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट चलिए भाई शाबाश वेरी इजी धनंजय का बिल्कुल सही है ओम वेरी गुड शानू चलिए भाई वेरी गुड आना चाहिए कोई भी डाउट होता है किसी को भी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड भाई कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हैं वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है सबका जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट चलिए भी अब जो है डिटेल में करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस जो आप लोगों के लिए लेके आई है एम भारत ने अग्निथ्री मिजाइल का किया सफल परीक्षण बुधवार को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था लॉन्च अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने निकोबारी ओदी क्राफ्ट के लिए की जीआई टैग की मांग इसी यूनियन टेरिटरी द्वारा अपने प्रोडक्ट के लिए पहली बार की गई है इस तरह की मांग तमिलनाडु को मिला फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट मदुरई जिले के 193 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडियन स्पेशल फोर्सेस कर रही है बायोलेक्ट्रल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के कवरांग में हो रही है ये एक्सरसाइज हर साल नवंबर 24 को मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर माटेडम डे सिखों के नौ गुरु है गुरु तेग बहादुर चले वे वॉरियर्स आई होप देख ली होगी अब डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरी न्यूज को और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है इन न्यूज एंड करंट अफेयर्स में से आ सकते हैं तो इससे पहले भाई स्टार्ट करें लाइक like और शेयर जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में जहां पे भी आप लोगों के साथ आपके फेलो एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं सबको लेके आ जाइए चलिए भाई शाबाश पहली न्यूज देखते हैं आज के सेशन की जो कि है डेज एंड इवेंट से रिलेटेड वन लाइनर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है गुरु तेग बहादुर मार्टिडम डे ऑब्जर्व ऑन नवंबर ट्वेंटी फोर्थ ठीक है आपको ध्यान रखना है गुरु तेग बहादुर जी की जो है मार्टिडम डे जो है आज ऑब्जर्व किया गया है चौबीस नवंबर को इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर शहीदी दिवस ऑफ गुरु तेग बहादुर द नाइंथ गुरु ऑफ सेक्सोडअपल कन्वर्जन बाई दुगल्स एन वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डरंगजेब इन सेग बीक्यूशन स्टैंड गुरुद्वारा सिसगंज साहिब इन दिल्ली चांदनी चौक ठीक है चांदनी चौक अगर आप गए हो तो इन्ही की याद के ऊपर जो है बेसिकली वहाँ पे जो है गुरुद्वारा जो है बना हुआ है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कब जो है इनका मार्टेडम डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है इस तरीके से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबको ध्यान रखना है चौबीस नवंबर ठीक है हिस्ट्री देखी जाए गुरु तेग बहादुर सेक्रीफाइस इज लाइफ टू प्रोटेक्ट रिलीजन एंड ह्यूमन वैल्यूज आइडल एंड प्रिंसिपल ही अर्ली एज फॉर हिस्स क्वालिटीज ऑफ सेक्रीफाइस एंड वेलर ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर सपोर्टिंग द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कश्मीरी पंडित रूलर औरंगजेब इज रिस्पेक्टेड एज हिंद की चादर ड्यू टू हिस्सम ठीक है तो ये भी आपको आपको पहली न्यूज है सिंपल है मेन मेन चीजें ध्यान रखनी है कब ऑब्जर्व किया जाता है क्यों ऑब्जर्व किया जाता है नाइन्थ गुरु जो है सिख के ये रह चुके हैं ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कब इनका जो है मार्टिडम डे ऑब्जर्व किया जाता है ये भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी याद में कहाँ पे जो है गुरुद्वारा है चांदनी चौक नई दिल्ली सिसगंज गुरुद्वारा जो है वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फर्स्ट न्यूज में से बन सकते हैं क्लियर है सबको पहली न्यूज अब नेक्स्ट न्यूज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है सबको इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ शक्ति ठीक है तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम में आता ही आता है हंड्रेड परसेंट ठीक है तो जितनी पिछले छह से सात महीने में डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज हुई है एयरफोर्स की नेवी की आर्मी की कोस्ट गार्ड की उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको ज्यादा एक्सरसाइजेज नहीं होती है ज्यादा से ज्यादा पंद्रह बीस एक्सरसाइज जो ओवर द टाइम पीरियड छ से सात महीने में होती है रेगुलरली करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर करते हैं हर एक्सरसाइज को तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे एक्सरसाइज होती है किस कंट्री के साथ हुई है थीम अगर कोई है उस एक्सरसाइज का वो आपको याद रखना है मेन सिग्निफिकेंस जो आपको ध्यान याद रखनी है एक्सरसाइज की तो ये आपको ध्यान रखना है इंडिया और इंडोनेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति प्लीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला ठीक है गरुड़ शक्ति एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम अ कंटेंजेंट ऑफ इंडियन स्पेशल फोर्सेज ट्रूप्स आर करंटली एंगेज इन बायोलेचुर ज्वाइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति विद इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेज एट संघा बुआना ट्रेनिंग एरिया कारावांग इंडोनेशिया तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज हुई है कारावांग इंडोनेशिया में जो है ये एक्सरसाइज हुई है प्लीज रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गरुड़ शक्ति जो है 2022 की कारावांग इंडोनेशिया में कंडक्ट करी गई है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इज द एट्थ एडिशन ऑफ सीरीज ऑफ बायोलेचरल एक्सरसाइज अंडर दिस एडिशन तो कौन सा एडिशन इस बार हुआ है आठवां एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया है ठीक है अगर इस एक्सरसाइज की बात करी जाए ठीक है कब कमेंट्स हुई थी 21 नवंबर को कमेंट्स हुई थी अब हर एक्सरसाइज का मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कोई भी एक्सरसाइज हो रही है फौज की है नेवी की एक्सरसाइज है एयरफोर्स की है किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है ठीक है कॉपरेशन के ऊपर इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर बिटवीन द स्पेशल फोर्स ऑफ बोथ आर्मीज ठीक है इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग बेसिक पॉइंट्स है द स्कोप ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज इंक्लूड्स इन्क्लूस ओरिएंटेशन टू एडवांस स्पेशल फोर्सेज स्किल्स शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन वेपन इक्विपमेंट इनोवेशन टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स एंड लेसन लर्न फ्राम वेरियस ऑपरेशन अंडरटेकन स्पेशल फोर्स ऑपरेशन इन जंगल टेरेन एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये द जॉइंट ट्रेनिंग वुड ऑल्सो फोकस ऑन हाई डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस टेक्टिकल ड्रिल्स एक्सेट्रा द एक्सरसाइज विल कलमिनेट इन फोर्टी एट आवर लॉन्ग वेलीडेशन टाइम ठीक है तो क्रूशल पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये है आठवां एडिशन है गरुड़ शक्ति का ठीक है कारावांग इंडोनेशिया में जो है ये कंडक्ट करी गई है इंडोनेशिया और भारत के बीच जो है ये एक्सरसाइज हुई है मेन मोटिव क्या था इस एक्सरसाइज का ये आपको ध्यान रखना है मेन मोटिव क्या था इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव था कॉपरेशन इंक्रीज करना अंडरस्टैंडिंग एनहेंस करना इंटरऑपरेबिलिटी दोनों कंट्रीज के बीच दोनों स्पेशल फोर्सेस के बीच इंक्रीज़ करना ठीक है इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बेसिकली फोकस किया गया था इस एक्सरसाइज के अंदर क्लियर है भाई सेकेंड न्यूज़ सबको को एवरी ठीक है ऑब्जेक्टिव भी सेम ही आपको ध्यान रखने हैं

कि दोनों कंट्रीज जो आपस में जो है प्रैक्टिस कर, कर रही है एक्सरसाइज कर रही है क्रूशियल पॉइंट्स क्लियर है चीजें अभी भी सेशन नहीं हो रहा है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में करते चलिए सबके सब वेरी गुड चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट की न्यूज एफ एस एस ए रिलीज न्यू ड्राफ्ट फॉर जी फूड रेगुलेशन ठीक है तो आपको ध्यान रखना है एफ एस एस आई हैज कम आउट विद ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रपोजिंग मैंडेटरी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटर्स टू मैन्युफैक्चर सेल एंड इम्पोर्ट फूड और इन्ग्रीडियंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द प्रोपोज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड रेगुलशन ट्वेंटी अपलाई टू जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर फूड यूज एज़ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अब एफ एस एस सी आई ने बेसिकली क्या किया है थोड़ा तो स्टैंडर्ड जो है रेज कर दिए है उन्होंने बेसिकली बोला हुआ है कि वो नया ड्राफ्ट उन्होंने रिलीज़ किया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो मार्केट में आया करेगा उनको जो है पहले अप्रूवल देना पड़ेगा उन्होंने पहले क्या चीज़ रिलीज़ करी थी स्टार रिलेटेड चीज़ें भी जो है इन्होंने रिलीज़ करी थी अगर किसी को याद हो पहले मैंने आपको इस न्यूज़ के बारे में बताया था ठीक है क्लियर है सबको ये चीज एफ एस एस ए ने अब बेसिकली बोला क्या है अब इन्होंने बोला है कि अब जो है न्यू ड्राफ्ट आएगा किस चीज़ के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो है मार्केट में जो है बेची जाती है उनको उन्होंने बेसिकली क्या बोला है प्रपोजल्स क्या क्या रखे गए हैं ठीक है एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी इट विल बी एप्लीकेबल टू दी फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन मॉडिफाइड डीएनए एन एज वेल एज टू फूड इन्ग्रीडियंट प्रोड्यूस फ्राम जी एमओ दैट डू नॉट कंटेन मॉडिफाइड डी एन ए बट इनक्लूड्स इन्ग्रीडियंट एडिकटिव प्रोसेसिंग एड्स डेरा जेनेटिकली मॉडिफाइड तो बेसिक चीजें आपको क्या ध्यान रखने कई चीज़ों जो एप्लीकेबिलिटी रहेगी जो किसके ऊपर रहेगी एप्लीकेबिलिटी वो रहेगी जो ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से चीज़ें जो है फूड चीज़ें फूड आइटम्स जो डेवलप करी जाएगी उसके लिए रहेगी पहली चीज़ एप्लीकेबिलिटी फिर परमिशन जो है रिक्वायर्ड रहेगी नो पर्सन पर्सन सेल मैन्युफैक्चर पैक स्टोर सेल मार्केट और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट और इंपोर्ट एनी फूड और फूड इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस फ्रॉम जी एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फूड अथॉरिटी दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली है पहली चीज़ वो बोली है देखो समझने की जरूरत है आपको कि जो जेन जो भी फूड आइटम्स मार्केट में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो है डेवलप करी जाती है उनका डीएनए एन करके जो है उनको डेवलप किया जाता है सबसे पहले उनको एप्लीकेबिलिटी के थ्रू गुजरना होगा उसके बाद जो इनको परमिशन रिक्वायर्ड रहेगी अगर अथॉरिटीज पास करेंगी तभी जो है उसको भेजा जा सकता है इम्पोर्ट किया जा सकता है एक्सपोर्ट किया जा सकता है दूसरी चीज़ एफ ने यह बोली है तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है मैंडेटरी लेबलिंग ऑल फूड प्रोडक्ट्स जी एम ओज इंटेंडेड फॉर यूज एंड फूड इन्ग्रीडियंट प्रोड्यूस फ्रॉम जी एम ओज दैट कंटेन मॉडिफाइड डी एन ए मस्ट बी लेबल्ड विद वर्ड कंटेन्स जी एम ओ ऑर्गेनिज्म ऑन दी फ्रंट ठीक है तो अब कोई भी फूड आइटम अगर जीएमओ से बेसिकली बना गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड तो कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसमें सबसे पहला टैग जो है क्या लगा होगा कि भाई ये जो फूड आइटम है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो है डेवलप है अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं नहीं खाना चाहते तो आप इसको इसके अलावा जो दूसरी चीज है उसको ले सकते हैं क्लियर है, है सबको ये वाली न्यूज ठीक है तो अब जो है भारत के अंदर बेसिक चीज़ें क्या है फूड आइटम्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है इसका मतलब ये है कि जो हेल्दी फूड है हेल्दी थिंग्स है वो हमें साफ पता लगेगा अब हमारी चॉइस रहेगी कि हम उस चीज़ को जो है लेना चाहते हैं खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते पहले भी एफ ने ये रिलीज़ किया था कि जो फूड आइटम्स है बेसिकली ठीक है उसके ऊपर टैग रहेगा कि इसमें कितने प्रिजर्वेटिव ऐड है ठीक है तो स्टार के बेसिस पे उसमें रेटिंग जो है रहेगी तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से अगर डेवलप हुई है कोई चीज तो उसके ऊपर क्लियर कट जो है लिखा होगा तीन चीजों से उसको पास होना पड़ेगा वट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ ओ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अ नोवल कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ दीएमओ क्रॉप्स ग्रो वर वेवलप टू हेल्प फार्मर्स प्रिवेंट क्रॉप एंड फूड लॉस एंड कंट्रोल वीड्स द थ्री मोस्ट कॉमन ट्रेड्स फाउंड इन जीएमओ क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू सर्ट इन डेमेजिंग इन्सेक्ट्स टॉलरेंट्स ऑफ सर्ट इन हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल वीड्स तो बेसिकली क्या होता है भाई मार्केट में सामान बेचने के लिए देखो कुछ भी करना पड़ता है अगर आप देसी तरीके से देखोगे तो क्या होगा जो वेजिटेबल्स आती है वो थोड़ा उनका साइज स्मॉल रहता है बट उन्हीं को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम या इंजेक्शन वगैरह से अगर आप देखोगे तो वेजिटेबल्स जो है आजकल अलग अलग साइज़ की जो है अवेलेबल है ठीक है या फिर फूड प्रोडक्ट्स भी जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचे जा रहे बिजनेस बन चुका है हर चीज अब लेकिन जो है एफ के दौरान जो है उन्होंने स्ट्रिक्ट चीजें ऑर्डर पास करे है कि अब जो है हर चीज मैंशन होगी इट विल टोटली डिपेंड ऑन दी कंज्यूमर या कस्टमर की वो उस चीज को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है वो अपनी तरफ से क्लियर कर देंगे कि ये जो फूड आइटम है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है क्लियर है सबको ये वाली न्यूज एवरीवन कमेंट करके बताइए भाई शाबाश लाइक और शेयर जो है सेशन होते रहना चाहिए एग्जैक्टली पूजा बिल्कुल ठीक है तो ये सब चीज़ें जो है क्लियर कट देखो एज अ पर्सन अब हम हमारी चॉइस है कि हम क्या चीज़ खाना चाहते हैं मार्केट के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है बट इफ यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्थ तो आपको जो है हेल्दी चीज़ खाने खाना चाहिए बेसिकली चलिए वेरी गुड नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं एन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की न्यूज़ है अरितापट्टी तमिलनाडुज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए और आ भी सकता है ये कि तमिलनाडु की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है कहां पर है तो अरितापट्टी आपको ध्यान रखना है या फिर पूछा जाए कि इनमें से जो है अरितापट्टी हेरिटेज साइट कौन सी स्टेट में है चारों अगर आपको साउथ इंडियन स्टेट्स के नाम दे दिए जाए तमिलनाडु केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में जो है फर्स्ट हेरिटेज साइट आई है जिसका नाम है अरिता पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ध्यान रखना द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु नोटिफाइडी थ्री पॉइंट टू वन फाइव अक्रॉस अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट एज अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू दिस इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नोटिफाइड इन तमिलनाडु तो आपको ध्यान रखना है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो नोटिफाई किया गया है तमिलनाडु का उसका नाम है पट्टी बायोडाइवर्सिटी पार्क वेरी इंपॉर्टेंट अब इस पार्ट पार्क की देखिए साइट की बात करी जाए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर वेल डिफाइंड एरियाज आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटन स्पीशीज एंड की स्टोन स्पीशीज जो है यहाँ पे मौजूद रहती है बायोडाइवर्सिटी अगर हेरिटेज साइट की बात करी जाए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको डिक्लेयर कर दिया गया है द सिग्निफिकेंस एंड एम्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर आउटलाइंड इन सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू क्रिएशन ऑफ बी एच एस में नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस एंड यूजेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज अदर दैन दोट्री डिसाइडेड बाई दम पर्पज इज टू एनहैस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लोकल कम्युनिटीज थ्रू दी कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स तो दीज आ क्रूशल अदर पॉइंट जो आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखने हैं बाकी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वे पूछा जा सकता है कि रत्तापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है कौन सी स्टेट में है या फिर किस इस तमिलनाडु में जो है इनमें से कौन सी रिसेंटली पहली जो है लॉन्च करी गई स्टेट वो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उसका आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं नेक्स्ट न्यूज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई सबको क्योंकि सी डी एस एन डी ए और सी ए पी एफ में जी आई से रिलेटेड जी आई टैक्स रिलेटेड जो है पिछले पांच से दस साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट एंड इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमेशा मैं आपको बोलता हूं भाई जितने भी आप लोग डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो छः से सात महीने की करंट अफेयर्स नेशनल इम्पॉर्टेंस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिफेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक रिलेटेड अवार्ड एंड ऑनर्स पर्सन इन न्यूज़ बुक्स एंड ऑथर्स ऑबिट्री ये पूरी इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट आपके दिमाग में जो है स्टोर होनी चाहिए जो रेगुलरली डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर करते हैं ठीक है इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में आओ आएगी जो आपको न्यूज़ आपको डेली करंट अफेयर्स के से सेशन से देखने को ही मिलेगी ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अंडमान एंड निकोबार सिक्स जी आई टैग फॉर निकोबारी हदी क्राफ्ट जो जोग्राफिकल जो इंडिकेशन रजिस्ट्री एट इंडी चेन्नई हैज़ रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सीकिंग दोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निकोबारी होदी क्राफ्ट दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरी सीकिंग अ टैग फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किसने जो है बेसिकली होदी क्राफ्ट के लिए जो है जी टैग की अप्लीकेशन दी है तो अंडमान निकोबार जो है आपको ध्यान रखना है या फिर वो किस चीज़ के लिए चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है होदी क्राफ्ट अब होदी क्राफ्ट क्या है Hodi yeah, or hodi is Nicobari tribe's traditional craft it is an outrigger canoe very commonly operated in Nicobar group island the technical skills of building a hodi are based on indigenous knowledge inherited by Nicobaris from their forefathers the hodi is built using the either locally available trees or nearby islands and its design various varies slightly from island to island Hodis are used for transporting people and goods तो अब जैसे आप के के साथ के साथ विजुअल्स जब पढ़ते हो ना तो आपको देखो हर चीज याद रहेगी होदी क्राफ्ट होता क्या है तो आपको जो है स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख सकते हो होदी क्राफ्ट जो है बेसिकली उनका जो लोकल टैलेंट होता है उसको डेवलप करके जो है उन्होंने एक क्राफ्ट बनाया होता है जो बेसिकली एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जो है कोकोनट सप्लाई करने में फिशिंग करने के या फिर रेसिंग करने के काम जो वो आता है अब अंडमान निकोबार ने बोला है कि उनको जो है उस चीज के लिए जो है जी टैग चाहिए तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछी जाती है पूछी जा सकती है तो कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंस अगर देखें जी आई टैगिंग की तो वंस अ प्रोडक्ट गेट्स जी आई टैग नो पर्सन और कंपनी कैन सेल अ सिमिलर आइटम अंडर दैट नेम तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है जी आई रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स इट्स लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज यूज बाई अदर्स जी आई टैग हेल्प इन प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इट ऑल्सो प्रोवाइड कम्फर्ट टू द कस्टमर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो जी आई टैग अगर मिल जाता है किसी भी चीज़ को भारत में ठीक है तो इन चीज़ों में जो है उसको बेनिफिट मिलता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा अगर जी आई टैग मिल जाएगा होर्डी को तो उसमें जो है उनको लोकलाइट्स को जो है फायदा बहुत ज़्यादा होगा उससे जो है बेसिकली उनका जो हॉडी क्राफ्ट है उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और उनके नाम पे जो है कोई और होर्डी क्राफ्ट जो है नहीं बना सकते तो वो जो है उनको एक तरह से ऑथेंटिसिटी जो है उस चीज़ की मिल जाएगी ठीक है क्लियर है सबको एवरी चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं नेक्स्ट न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट साइंस एंड टेक प्लस डिफेंस रिलेटेड न्यूज है ठीक है और ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आई हुई है इस तरीके की न्यूज़ जब रिसेंटली ऐसे टेस्ट फायर होते हैं इंडिया कैरीज़ आउट सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अग्नि थ्री अग्नि थ्री जो है उसका सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया गया है ठीक है अग्नि थ्री जो है बेसिकली इसकी रेंज तीन हज़ार किलोमीटर तक है अब देखो रेंज याद कैसे रखनी होती है अग्नि वन की बात करी जाए तो साढ़े सात सौ से हज़ार किलोमीटर या बारह सौ किलोमीटर तक उसकी रेंज रहेगी अग्नि टू है तो दो हज़ार से पच्चीस सौ रहेगी ठीक है तो अग्नि थ्री है तो तीन हजार से पैंतीस सौ के करीब उसकी रेंज रहेगी चार है तो चार हज़ार था से पैंतालीस सौ के करीब रेंज रहेगी तो जो उसका जो कोड वर्ड है उसी के अराउंड जो है उसकी हमेशा रेंज होती है प्लीज ध्यान रखना इस चीज को और अग्नि फाइव की बात करी जाए तो फिर वो आ जाती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में जिसकी रेंज मोर देन फाइव थाउजेंड किलोमीटर रहती है ठीक है तो इंडिया ऑन वेनर्सडे कैरिड आउट अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर केपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आई आर बी एम अग्नि थ्री फ्राम ए पी जे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिसा एज अ पार्ट ऑफ रूटीन यूजर ट्रेनिंग लॉन्च इज कंडक्टेड बाई द स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड तो ए पीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से आपको ध्यान रखना टेस्ट फायर किया गया है अग्नि थ्री को इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये डिटेल्स ही बात करीजिए द लॉन्च वॉज कैरीड आउट फॉर अटर रेंज एंड वेलीडेटेड ऑल ऑपरेशनल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम दिक्कसटीन मीटर लॉन्ग मिजाइल वेइंग मोर देन फोर्टीज रेंज ऑफ ओवर थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स एंड इज के पे लोड ऑफ वन पॉइंट फाइव टन फ्लाइट ट्रेजेट्री वॉज ट्रैक्ड बाई नंबर ऑफ रड टेलीमेट्री ऑब्जर्वेशन स्टेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड नेवल डिप्लॉयड एट दी सीज आर अर क्रुशियल पॉइंट आपको ध्यान रखने है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है अग्नि थ्री के बारे में चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए पहली चीज तीन हजार किलोमीटर तक रेंज है एपीजे अब्दुल कलाम आईलैंड से इसको टेस्ट फायर किया गया है द फर्स्ट नोन डेवलपमेंट ट्रायल ऑफ अग्नि थ्री वॉज कंडक्टेड इन जुलाई टू थाउजेंड सिक्स बट कुड नॉट यूल्ड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इट वॉज सब्सिक्वेंटली successfully flight tested in april 2007 the system has been successfully tested several times since then okay after that important point agni series of missile constitute the backbone of india's nuclear weapon delivery which also includes the prithvi short range ballistic missile and fighter aircraft india has also completed its nuclear triad and operationalized its second strike capability with nuclear ballistic missile submarine ins aryant undertaking deterrence patrol तो दीज आर अदर क्रूशियल पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है एप्सल्यूटली राइट right. हाँ यहीं पे बेसिकली लॉन्च सेंटर्स यहीं पे है पूजा इसीलिए यहाँ से लॉन्च किया जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना जहाँ पे मिसाइल सेंटर्स होते हैं रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वहीं से जो है समुद्री किनारे के करीब बेसिकली बने होते हैं कि अगर फेल हो जाए तो पानी में जाके ही गिरे ये बेसिक रीजन होता है इसका ठीक है चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट कर्नाटका इज ग्राउंड नट फेस्टिवल कडा परिशे ठीक है अगर वन लाइनर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये देर आर मेनी यूनिक फेस्टिवल्स एंड ट्रडिशन इन इंडिया एंड हाइपर लोकल फेस्टिवल ऑफ कडाकली परिशे ऑल्सो नोन एज दी ग्राउंड नट फेस्टिवल कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बुमई इनाग्रेटेड दी पॉपुलर कडलेकई परिशे अ ग्राउंडनट फेयर इन बेंगलुरूज बंसावगुडी रिसेंटली द एनुअल फेयर वाज हॉल्टेड फॉर लास्ट टू इयर्स ड्यू टू देंडेमिक एंड दिस ईयर द फेयर इज सेट टू बी हेल्ड इन ग्रैंड मैनर तो आपको ध्यान रखना है अगर पूछा जाए कि ग्राउंड नट फेस्टिवल जो है कर्नाटका उसको क्या बोलते हैं कैडा लेकई जो है उसको बोला जाता है इसको आपको ध्यान रखना है हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है कडालाई इज ंग देयर द ग्राउंड नट फार्मर्स फ्रॉम ऑल ओवर इवन फ्रॉम नेबरिंग एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ब्रिंग दी बैग्स ऑफ ग्राउंड नट्स टू सेल दम इन दी फेयर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट फ्रॉम बैंगलुरु होप एंड टू दी कटल परिशे टू बाई द्राउंड नट एंड एक्सपीरियंस दल्चरल एक्सचेंज द ग्राउंड नट फेयर इज यूजअली ऑर्गेनाइज फॉर अ डे बट इट इंटेंड स्टिल दी फार्मर सेल देर स्टॉक दिस आर दी बेसिक पॉइंट ध्यान रखने हैं बस आपको यह ध्यान रखना ग्राउंड नट फेस्टिवल जो है कर्नाटका में ऑब्ज़र्व किया गया है ठीक है अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है भाई ये न्यूज़ प्लीज़ ध्यान रखना ये आ सकती है आपके एग्ज़ाम में क्योंकि रिसेंटली जो है थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और करंट अफेयर्स को मर्ज करके जो है न्यूज़ काफ़ी बार पूछी गई है सी और एन और सी की बात मैं करूँगा ठीक है भारत पे गूगल पे इन सब से रिलेटेड जो है चीज़ें पूछी जा रही है एग्ज़ाम में तो ये आपको ध्यान रखना है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड के अगर पूछा कि रिसेंटली इनमें से किसने जो है फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड नो योर कस्टमर के वाई सी ई के वाई सी लॉन्च किया है तो आपको ध्यान रखना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक द लॉन्च ऑफ फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर इट्स कस्टमर द फैसिलिटी विल फर्दर द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस मेकिंग इट सीमलेस एंड कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज फर्स्ट पेमेंट्स बैंक इन कंट्री टू ऑफर दिस फैसिलिटी इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि ये पहली जो है बेसिकली कंपनी है जिसने जो है ये चीज़ लॉन्च करी है फर्स्ट पेमेंट बैंक इन द कंट्री टू ऑफर दिस फैसिलिटी तो बेसिकली अब क्या है लॉन्चिज फेस ऑथेंटिकेशन के बेसिस पे जो है हर चीज जो है सॉल्व हो जाए करेगी प्लीज ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर है सबको अभी तक देखो भाई जितनी न्यूज हमने कवर करी है किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए ठीक है लास्ट में क्वेश्चन होंगे सबके क्वेश्चन सही होने चाहिए यहाँ पे तो सही होने चाहिए एग्जाम में भी सबके सही होने चाहिए अब बेनिफिट्स अगर देखी जाए ई के वाई सी की न्यू फैसिलिटी विल हेल्प बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स करस्पॉन्डेंट्स ऑफ बैंक टू ओपन एन अकाउंट जस्ट बाई अंडरस्टैंडिंग फेस ऑथेंटिकेशन ई के वाई सी The authentication is processed using a newly developed mobile application by the Unique Identification Authority of India UIDAI. As a result, the business correspondent will now only need a smartphone to open an account. ठीक है तो अब स्मार्टफोन के जरिए ई के करने के बाद जो है आराम से अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं द बैंक विल मेक द फैसिलिटी अवेलेबल अक्रॉस इट्स फाइव लाख बैंकिंग पॉइंट्स एट द एंड ऑफ दिस ईयर तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर पाँच लाख जगह पे जो है जो उनके बेसिकली एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो अकाउंट्स है पॉइंट्स है वहां पे जो है ये चीज अवेलेबल होगी जिसमें आप थ्रू योर ई के वाई सी फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है बैंक अकाउंट जो है ईजिल ओपन कर पाएंगे और भारत में पहली पेमेंट कंपनी है जिसने ये चीज़ करके दिखाई है एयरटेल ठीक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है ई के वाई सी फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू बैंक अकाउंट ओपनिंग जो है स्टार्ट कर दिया है क्लियर है सबको ये न्यूज एवरी वन ठीक है अभी काम कैसे करेगा हाउ विल दिस सिस्टम वर्क दी के वाई सी फैसिलिटी यूजेज ए आई एम एल ए आई होता है आपका ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन आर डी एप्लीकेशन विच हेल्प्स इन दी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बाय क्रॉस चेकिंग इन इंडिविजुअल फोटो विद द इमेज कैप्चर्ड इन द आधार कार्ड एंड अलाउ सिक्योर कस्टमर ऑन बोर्डिंग एल नाउ ऑफ कस्टमर विश टू ओपन एन अकाउंट विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक द आधार बेस्ड ओ टीपी और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वॉज कैरिड आउट तो अब जो है अगर आपको चीज़ लेनी होती थी तो आपका जो है बेसिकली फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता था उसके बाद ही चीज़ सक्सेसफुल हो पाती थी बट अब हर चीज़ जो है ई के वाई सी के थ्रू जो है आधार कार्ड से आपका फेस जो है मैच करके जो है ईजिली आइडेंटिफाई करके एयरटेल पेमेंट बैंक जो है बना बनाएगा बेसिकली करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने क्लियर है सबको की पॉइंट्स आपको बस ध्यान रखने हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है फेस ऑथेंटिकेशन ई के वाई सी स्टार्ट कर दिया है ऑफ ईयर जो है उनके पांच लाख पॉइंट जो है वहाँ पे ये चीज़ जो है सक्सेसफुल कर देंगे ठीक है चलिए अब आते हैं में चलिए शाबाश जल्दी जल्दी कमेंट करके जो है answer करना करिए विदाउट एनी डिले लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में कर दो भाई सबके सब, सब very good. Mass participation होना चाहिए सबका विच ऑफ दिक गुरु इज ऑल्सो कॉल्ड हिंद की चादर चलिए शाबाश वेरी गुड गगन का सही है विशाल का सही है शेखर का सही है भाई सबके सब कमेंट करिए भाई सबका कमेंट मुझे देखने है, विशाखा सेवेंथवन वेदांग गगन उत्कर्ष वेरी गुड सही आंसर है सबका वेरी गुड शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल सही है शानू आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इन दी एट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडियन स्पेशल फोर्सेज ट्रूप्स पार्टिसिपेटेड विद द स्पेशल ऑफ ऑफ फोर्सिस फॉलोइंग कंट्री चलिए भाई शाबाश वेरी गुड विशाल गगन शेखर उत्कर्ष कहाँ जा रहे हो भाई कहाँ जा रहे हो यूएसए कौन बोल रहा है अभी अभी मैंने डिटेल में कवर कराया यूएसए मुझे कमेंट में अचानक से दिखा था यूएसए नहीं है भाई इंडोनेशिया सही होगा प्लीज़ गलत मत करना एग्जाम में शाबाश वेरी गुड कहाँ उत्कर्ष नो यूएसए नहीं है इंडोनेशिया के साथ जो है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज में इंडियन स्पेशल फोर्सेज ने इंडोनेशिया स्पेशल फोर्सेज के साथ पार्टिसिपेट किया है जो कि एट्थ एडिशन वांग इंडोनेशिया में हुई है ठीक है क्लियर है उत्कर्ष चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग बॉडी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रिसेंटली ड्राफ्टेड द रेगुलेशन फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हां जी गुड बिल्कुल सही है सबका फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ध्यान रखना आपको सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस आर रिसेंटली नोटिफाइड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी चलिए भाई जी कमेंट करके भाई शाबाश वेरी गुड उत्कर्ष गगन शेखर विशाखा सबके सही आंसर भाई आई आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट अभी भी काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हाँ जी वेदांग का भी बिल्कुल सही है तमिलनाडु शाबाश बिल्कुल सही आंसर है वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का वॉरियर्स रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार सबमिटेड फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर दोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निकोबारी होडी क्राफ्ट बेसिकली वो है क्या चीज ये आपको बताना है चलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस है लेकिन मैंने आपको करंट अफेयर में बताया है इसके बारे में गगन ने सही आंसर दे दिया है वेदांग ने भी सही आंसर दिया है बाकी सब कमेंट करके बताइए विशाखा विशाल का भी सही आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे वेरी गुड उत्कर्ष का भी आ चुका है सही बिल्कुल आउट ट्रिगर कैनो जो है आपको ध्यान रखना है जो एक जगह से दूसरी जगह में कोकोनट यूज ले जाने के काम ठीक है या फिर रेसिंग करने के काम जो है आती है चलिए भाई ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक like और शेयर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए जो कि डिफेंस एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एम वाइप की अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है